तो बेटा हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, ये टॉपिक कर रहे थे हम लोग। सर एक बार रिपीट कर देना। हाँ, ये टॉपिक कर रहे थे हम लोग। इसमें हमने आप लोगों को बताया था होमियोस्टेसिस। बेटा जो होमियोस्टेसिस के थ्रू अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखता है ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा इवॉल्व होता है। समझ में आई बात? वो सारे स्पीसीज जो इंटरनल बॉडी फैक्टर्स को, सिचुएशन को, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है बेटा, वो ज्यादा इवॉल्व होता है आगे। समझ रहे हो? यही हमने लिखवाया था आपको। मैंने स्टेटमेंट जो लिखवाया था रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स में, वो एक बार पढ़ के देख लो आप, होमियोस्टेसिस। समझ रहे हो? और उसका सीधा सीधा मतलब यह है बेटा कि अगर उसको जो कुछ भी हमने लास्ट क्लास में लिखवाया था इसके बारे में, अगर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें बेटा, तो ये हम मान लेते हैं इधर को एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल लेवल मान लेते हैं बेटा, और इसको हम मान लेते हैं इंटरनल लेवल, एक्स एंड वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये तो अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ करें बेटा, अगर हम मतलब कि जैसे कि प्लांट्स हैं बेटा, प्लांट्स अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स भी ऐसे होते हैं। मान लो एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हुए, टेम्परेचर डाउन होने लगा, तो उनके बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन होने लगेगा। यही बता रहा है, देखो चेंज हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल चेंज हो रहा है तो इंटरनल भी चेंज हो रहा है। मतलब जैसे जैसे इंटरनल चेंज हुआ वैसे वैसे एक्सटर्नल भी चेंज हुआ, सॉरी एक्सटर्नल जैसे जैसे चेंज हुआ वैसे वैसे इंटरनल भी चेंज हुआ। तो ये लाइन इस तरह से सीधी जाएगी बेटा, ऐसा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा कन्फॉर्मर्स, इसको बोलते हैं कन्फॉर्मर्स। लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो अगर यहां से हम एक लाइन खींचे, ये एक लाइन खींच देता हूं मैं ऐसे, तो ये लाइन क्या बता रही है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर तो बड़ा चेंज हुआ, सॉरी एबायोटिक फैक्टर्स तो चेंज हुए, लेकिन बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज नहीं हुआ। देख लो, इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं चेंज हुआ, केवल एक्सटर्नल चेंज हुआ। मतलब ये इंटरनल इन्वायरमेंट को ये ऑर्गेनिजम्स रेगुलेट कर रहे हैं बेटा, इसलिए इनको हम बोलते हैं रेगुलेटर्स, इनको बोलते हैं हम रेगुलेटर्स। ठीक है, और वो जिनमें चेंज होता चला गया एक्सटर्नल और एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल, उसको हम बोलते हैं कॉन्फर्मर्स। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बेटा जो कुछ टाइम तक तो वो चेंज कर सकते हैं, होता गया होता गया होता गया होता गया, ठीक है, उसके बाद इनको हम बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हाँ बिल्कुल, इसका एग्जाम्पल है बेटा, बोलो इसका एग्जाम्पल, श्रीव, श्रीव छछुंदर जिसको बोलते हैं। ठीक है, और कन्फर्मर्स में 99% एनिमल्स एंड ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स। कन्फर्मर्स में कौन आएंगे बेटा? 99%
एनिमल्स एंड ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, ये सारे आ जाएंगे कन्फर्मर्स में, क्योंकि प्लांट भी अपने बॉडी टेम्परेचर को या इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम चेंज करते हैं नहीं, हमारा कांस्टेंट रहता है बेटा। तो हम किस में आएंगे बताओ जरा, हम किस में आएंगे, रेगुलेटर्स में आएंगे। तो रेगुलेटर्स में क्या क्या आ जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऑल बर्ड्स, मैमल्स एंड वेरी फ्यू लोअर इनवर्टिब्रेट्स, इसमें आ जाएगा बेटा, ऑल बर्ड्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, ठीक है, इसमें आ जाएंगे। पार्शियल में बहुत ही कम आते हैं, समझ में आ गया। तो जो कुछ भी स्टेटमेंट हमने रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स में लिखा था उसमें देख लो आप, समझ में आ गया। जो होमियोस्टेसिस करके कर पाएगा बेटा वो ज्यादा सरवाइव करेगा, सर्वाइबिलिटी के चांसेस उसमें ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना, और उस वो ज्यादा इवॉल्व होगा। ये बात समझ में आ गई। और ये क्या है डायग्राम, क्या ग्राफ क्या बता रहा है बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिजमिक रिस्पॉन्स, ठीक है, हो गया यहां तक, ओके है, किसी को कोई डाउट है, डाउट हो तो बता देना, क्लियर है, ठीक है। आगे लिखो बेटा, हेडिंग दो, ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स टू, हेडिंग दो, ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स टू कॉप, COPE, कॉप विद इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट का सामना कैसे करते हैं, किस रिस्पॉन्स के थ्रू, ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स टू कॉप विद इन्वायरमेंट, ठीक है। और उसमें पहला लिखो आप, नंबर वन, रेगुलेट, ठीक है, होमियोस्टेसिस इज मेंटेन्ड बाय इंश्योरिंग, रेगुलेट में लिखो, होमियोस्टेसिस इज मेंटेन्ड बाय इंश्योरिंग कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल बर्ड्स मैमल्स एंड अ वेरी फ्यू इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स हैव द मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन फॉर मेंटेनिंग द होमियोस्टेसिस, मतलब होमियोस्टेसिस को मेंटेन कैसे करते हैं ये लोग, रिपीट कर दूं, लिख लो, ऑल बर्ड्स मैमल एंड अ वेरी फ्यू वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स हैव मैकेनिज्म टू थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन फॉर मेंटेनिंग द होमियोस्टेसिस,
मतलब होमियोस्टेसिस को ये लोग मेंटेन कैसे रखते हैं बेटा, थर्मोरेगुलेशन से और होम थर्मोरेगुलेशन से और ऑस्मोरेगुलेशन से। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, समझ में आ गया, बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ा वो समझने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, ड्यूरिंग समर हमारे बॉडी में क्या होता है, स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग का पर्पज क्या होता है बेटा, मेन पर्पज क्या है, स्वेटिंग का मेन पर्पज क्या है बताओ, स्वेटिंग होता है ना समर सीजन में, स्वेटिंग का मेन पर्पज बताओ, टेम्परेचर क्या मेंटेन रखना, कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है बेटा। हाँ, चेंज इन टेम्परेचर नहीं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, लो करता है, ठीक है। हाँ, कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है, ये होता है उसका मेन पर्पज, ठीक है। लिखिए, गुड, ड्यूरिंग समर स्वेटिंग अकर्स प्रोफ्यूजली, ड्यूरिंग समर स्वेटिंग अकर्स प्रोफ्यूजली एंड द इवोपरेशन ब्रिंग्स डाउन, एंड इवोपरेशन ब्रिंग्स डाउन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, brings down temperature of the body. Next point, during winter shivering hoti hai na kapkapi, during winter shivering occurs in bracket a kind of exercise, ek tarah ki exercise hai jisse ki body temperature badhta hai, a kind of exercise that produce heat. Severing ke baad bracket mein likhoge, severing occurs a kind of exercise that produce heat, bracket close, and rises the body temperature. Next point, plants do not have such mechanism. Plants do not have a such mechanism to maintain their internal temperature. Plants do not have such mechanism to maintain their internal temperature. Next point, फटाफट लिखिए, evolutionary process. Evolutionary process of mammals is believed largely due to their regulation ability. ठीक है, एबिलिटी कॉमा, वेदर दे लीव इन अंटार्कटिका और इन द सहारा डेजर्ट, एंड सहारा डेजर्ट, समझ रहे हो, इसीलिए सर्वाइव कर पाया क्यों मैमल्स, क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कन्फर्म, सेकेंड है बेटा, कन्फर्म, दीज ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेंटेन, these organisms cannot maintain thermal and osmotic balance, these organisms cannot balance thermal and osmotic balance maintain these organisms cannot maintain thermal and osmotic balance with the environment.
विद इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल अबाउट 99% एनिमल्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट, अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स चेंज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ दियर बॉडी। अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स चेंज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ दियर बॉडी फ्लूड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। A majority of aquatic animals change the osmotic concentration of their body fluid according to the environment. Such animals are called osmoconformers को underline कर लेना बेटा, ये बहुत ही ज्यादा important है। osmoconformers। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अ थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। जो छोटे ऑर्गेनिजम्स है बेटा, उनके लिए तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है ये। Thermoregulation is energetically expensive for many organisms. This is especially true for small animals like shrew and hummingbirds. वो क्या होते हैं बेटा, पार्शियल रेगुलेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हीट लॉस एंड गेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं। हीट लॉस एंड गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। फुल स्टॉप। सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू दियर वॉल्यूम। they tend to lose body heat very fast। बेटा, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उनके बॉडी के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, इसलिए जल्दी से वो हीट लॉस कर सकते हैं और गेन भी जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब साफ है कि अगर ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा रिलेटिवली जो बड़ा एनिमल होगा। ये स्टेटमेंट आपको समझ में आती है या नहीं? एस आर नो लिखो तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूं इसको। समझ में आती है अभिजीत? समझ में आता है परीक्षित वालिया? समझ में आता है? जिसको समझ में नहीं आता है वो लिख दे, मैं बताऊंगा कि ये कैसे। बताऊं आकाश रंजन? चलो देखो कैसे। यही बात एक सेल के ऊपर भी लागू होती है बेटा। अगर सेल मान लो छोटा है तो उसका सरफेस एरिया बड़ा होगा। सेल छोटी है तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बेटा सरफेस एरिया उसका ज्यादा होगा और उसका रेशियो भी ज्यादा होगा। किसका?
सरफेस एरिया और वॉल्यूम का, और जिसका रेशियो ज्यादा होता है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है। जिसका रेशियो ज्यादा होता है बेटा, उसका मेटाबॉलिक रेट भी उस ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा होता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि सेल में होता है, एक सिंगल सेल के अंदर हो सकता है। देखो जैसे कि सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ऐसे कि मान लो एक हम क्यूब ले लें, एक ये क्यूब है, ठीक है, ऐसे ये क्यूब है बेटा, ठीक है, ये क्यूब है। इसमें से हम क्या करते हैं, छोटा सा एक क्यूब निकाल लेते हैं, इतना ये है क्यूब, ये क्यूब निकाल लिया, ये क्यूब है। इसी बड़े वाले क्यूब में से छोटा सा क्यूब काटा है मैंने, और इसका लेंथ है बेटा, इसकी लेंथ है अगर इसकी 1 सेंटीमीटर, तो इसका हम सरफेस एरिया निकालें, सरफेस एरिया निकालें अगर बेटा, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, अगर क्यूब है और लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा सरफेस एरिया, 1 × 6 होगा, 1 × 1 × 6, तो 6 अगर सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और इसी का वॉल्यूम निकालें तो कितना होगा, 1 × 1 × 1 तो 1 होगा, तो रेशियो कितना हो गया, 6:1 हो गया, ठीक है। और मान लो एक दूसरा क्यूब काट लें इसमें से बेटा, यहां से एक दूसरा क्यूब हमने यहां से काट लिया, चलो देखो ऐसा, तो इसका जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर है, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 6 तो 24 हो जाएगा, हाँ 24 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 8 हो जाएगा, तो रेशियो कितना आ गया, 24:8 तो कितना हो जाएगा, 3:1, देखो कम हो गया। अब ये बड़ा है, बड़ा है तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो कम है, छोटा है तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया का रेशियो ज्यादा है। यही बात बिल्कुल एग्जैक्टली लागू होती है बेटा, किस पे सेल के ऊपर। ये क्वेश्चन आता है कि अगर सेल छोटी है बेटा, जितना ही छोटा सेल है उसकी मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू हायर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो, समझ रहे हो ये, हाँ सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो। अगर उसी तरह से इसका निकाला जाए तो उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो और कम होगा, समझ रहे हो। तो उसी तरह से बेटा, ठीक उसी तरह से ऑर्गेनिज्म जितना ही छोटा है उसमें मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है, समझ रहे हो। ये बात समझ में सबको आ गई, सबको समझ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, When it is cold outside, when it is cold outside, they have expand. When it is cold outside, they have to extend much energy to generate body heat. They have to expand much energy to generate body heat through metabolism. They have to expend much energy to generate body heat through metabolism. Due to this reason,
ड्यू टू दिस रीजन वेरी स्मॉल एनिमल्स इन ब्रैकेट श्रीव हमिंग बर्ड्स एक्सेट्रा ब्रैकेट क्लोज ड्यू टू दिस रीजन वेरी स्मॉल एनिमल्स श्रीव हमिंग बर्ड्स एक्सेट्रा आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन इसीलिए वो पोलर रीजन पे नहीं पाए जाते लगभग. नेक्स्ट पॉइंट ड्यूरिंग इवोल्यूशन सम स्पीसीज हैव एबिलिटी टू रेगुलेट ड्यूरिंग इवोल्यूशन some species have ability to regulate up to limited range beyond which they become conform तो उनको बोलते हैं बेटा क्या ब्रैकेट में लिख लो पार्शियल रेगुलेटर्स ठीक है. थर्ड लिखिए माइग्रेट माइग्रेट में लिखो टेम्पररी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अच्छा लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दूं किसका इसके पहले वाले का लिखो. ड्यूरिंग इवोल्यूशन सम स्पीसीज हैव एबिलिटी टू रेगुलेट अप टू लिमिटेड रेंज बियॉन्ड विच दे बिकम कन्फॉर्म इन ब्रैकेट क्या लिखोगे पार्शियल रेगुलेटर्स. अब लिखो बेटा नेक्स्ट हेडिंग दो माइग्रेट में लिखिए टेम्पररी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम स्ट्रेसफुल एरिया टू मोर फेवरेबल एरिया फ्रॉम स्ट्रेसफुल एरिया टू मोर फेवरेबल एरिया इन टर्म्स ऑफ फूड शेल्टर स्पॉनिंग मीन्स अंडे देना स्पॉनिंग SPAWNING और क्लाइमेट बेटा फूड शेल्टर और स्पॉनिंग के लिए माइग्रेट करते हैं बहुत सारे एनिमल्स है ना. फॉर एग्जाम्पल लिखिए साइबेरियन क्रैन बिल्कुल सही बात है. ये एग्जाम्पल जो बोल रहे हैं उसको अंडरलाइन करते हुए चलना है आप लोग. हाँ फ्लेमिंगो साइबेरियन क्रेन माइग्रेशन फ्रॉम साइबेरिया टू केवलाडियो नेशनल पार्क या देव केवल देव बोलते हैं इसको KEOLADEO केवल देव KEOLADEO केवल देव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान वहां पे बेटा साइबेरिया से बर्ड्स माइग्रेट करके आती हैं साइबेरिया से. नेक्स्ट एग्जाम्पल लोकस्ट माइग्रेट LOCUST
लोकस्ट माइग्रेट्स फॉर फूड एंड सैलमोन SALMON सैलमोन फिश माइग्रेट फॉर एग स्पाउनिंग फुल स्टॉप अंगुलेट अंगुलेट ANGULATE माइग्रेशन इन अफ्रीका इज फॉर फूड इज फॉर फूड ठीक है नेक्स्ट है बेटा सस्पेंड रिपीट सर एग्जाम्पल लिख लो लोकस्ट माइग्रेट फॉर फूड एंड सैलमन फिश माइग्रेट्स फॉर एग स्पाउनिंग अंगुलेट माइग्रेशन इन अफ्रीका ANGULATE माइग्रेशन इन अफ्रीका इज फॉर फूड फुल स्टॉप अब लिखो सस्पेंड ये बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में है बेटा ना अनफेवरेबल कंडीशन आने पे बैक्टीरिया वगैरह क्या करते हैं अपने ऊपर जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई बेटा उनकी वॉल ठीक हो जाती है और सिस्ट बना लेते हैं तो इस तरह से अपने आप को वो प्रिवेंट कर सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से उसी को हम सस्पेंड बोलते हैं समझ में आ गया ना सस्पेंड उसी को हम बोलते हैं बेटा सस्पेंड लिखिए इट इज द स्टेज इन द लाइफ साइकिल Suspend. It is the stage in the life cycle where an organism changes, its developmental, physiological, structural, biochemical behavior के आगे ब्रैकेट में लिख लो आप फिर से बोल लेता हूं चलो इट इज द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल वेयर एन ऑर्गेनिज्म चेंजेज इट्स डेवलपमेंटल फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल बिहेवियोरल बायोकेमिकल बिहेवियोरल इन ब्रैकेट स्लो डाउन दियर मेटाबोलिक रेट इसको अंडरलाइन कर लेना आप मेटाबोलिक रेट उस समय बहुत ही कम हो जाता है बेटा क्योंकि बाहर से फूड नहीं मिल पाता ना स्लो डाउन दियर मेटाबोलिक रेट ब्रैकेट क्लोज टू पास थ्रू अनफेवरेबल कंडीशंस एग्जाम्पल लिखिए थिक वॉल्ड स्पोर्स इन बैक्टीरिया फंगी एंड लोअर प्लांट्स नेक्स्ट लिखो बेटा डॉर्मेंसी मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोग पहले से जानते हो है ना डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड अदर वेजिटेटिव पार्ट्स इन हायर प्लांट्स ये जानते हो आप लोग नेक्स्ट लिखो हाइबरनेशन इन ब्रैकेट विंटर स्लीप हाइबरनेशन भी आप लोग जानते हो हाइबरनेशन विंटर स्लीप is shown by organisms which are unable to migrate like
BERS भालू बेटा, वो भी हाइबरनेशन में चला जाता है ना, वो माइग्रेट नहीं कर सकता, बहुत दूर भाग नहीं सकता, फिर क्या जाता करता है, छुप जाता है सर्दी से बचने के लिए। नेक्स्ट लिखो एस्टिवेशन, AESTIVATION, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन में लिखिए, इट इज मेटाबॉलिक इनएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट इज मेटाबॉलिक इनएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब डॉर्मेंसी के जैसा ही है ये भी, इट इज मेटाबॉलिक इनएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग हॉट डेसिकेटिंग समर्स, हॉट ड्यूरिंग हॉट डेसिकेटिंग DESSICATING डेसिकेटिंग समर्स, एग्जाम्पल स्नेल्स एंड फिशेज, स्नेल्स एंड सम फिशेज। नेक्स्ट है डाइपोज, DIAPAUSE डाइपोज, डाइपोज क्या होता है बेटा, लिखिए स्टेज ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ डेवलपमेंट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन आई बेटा तो थोड़ी देर के लिए क्या हो गया वो ऑर्गेनिज्म का की ग्रोथ रुक गई, डेवलपमेंट रुक गया, उसी को हम बोलते हैं डायपोज, स्टेज ऑफ टेम्पररी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन इन ब्रेक, सर रिपीट, डायपोज में लिखो बेटा स्टेज ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ डेवलपमेंट अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस इन ब्रैकेट स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। अब लिखो एडॉप्टेशंस, एडॉप्टेशन बेटा हम लोगों ने लिविंग वर्ड में किया था है ना, एडॉप्टेशन इवोल्यूशन में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा, ये मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज अकॉर्डिंग टू दियर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कोई भी ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल फैक्टर के अकॉर्डिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं एडॉप्टेशन। लिखिए इट इज एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट इज एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स इन ब्रैकेट मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियोरल ब्रैकेट क्लोज, इट इज एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ब्रैकेट मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियोरल ब्रैकेट क्लोज, दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इट्स हैबिटेट इन इट्स हैबिटेट ब्रैकेट क्लोज। टू सर्वाइव रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट, इन इट्स हैबिटेट। नेक्स्ट पॉइंट, एडॉप्टेशन अलाउ ऑर्गेनिजम्स, एडॉप्टेशन अलाउ टू ऑर्गेनिजम्स
ऑर्गेनिजम्स टू लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स. एडॉप्टेशन अलाउ ऑर्गेनिजम्स टू लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स. डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स में सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को बेटा हेल्प करता है ये कौन, एडॉप्टेशन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. दे डेवलप ड्यू टू नेचुरल सेलेक्शन ऑफ सुटेबल वेरिएशंस. दे डेवलप ड्यू टू नेचुरल सेलेक्शन ऑफ suitable variations appearing in living being through बताओ कैसे कैसे कौन से प्रोसेस से अपीयर होते हैं एडॉप्टेशन. एक्चुअल में जो एडॉप्टेशन होता है और वो एडॉप्टेशन जो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाए उस किसके थ्रू होता है. दो रास्ते हैं उसके, कौन कौन से बताओ. रिप्रोडक्शन के थ्रू, चलो रिप्रोडक्शन के थ्रू तो जाते हैं, नेक्स्ट प्रोजेनी में जाएगा बेटा, लेकिन वो सर्वाइव करेगा तब तो रिप्रोड्यूस करेगा. लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जाने का रीजन क्या, मतलब क्या कहां पे चेंजेस होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा. जेनेटिक मटेरियल में, मतलब कि म्यूटेशन एंड, बिल्कुल म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन होगा आंसर बेटा. लिविंग बींग थ्रू म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन. अच्छा एक अब एग्जाम्पल जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आप हेडिंग दे दो. एडॉप्टेशन इन कंगारू रैट. एडॉप्टेशन इन कंगारू रैट. कंगारू रैट बेटा ये जो है ना कंगारू रैट, इसको जहां पे रहता है वो पानी की अवेलेबिलिटी वहां पे बिल्कुल भी नहीं होती, तो उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बेटा क्या करता है ये, एक तो इसका यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है बेटा, ठीक है, और फैट के ऑक्सीडेशन के बाद जो वाटर प्रोड्यूस होता है उससे अपना ये काम चलाता है. समझ रहे हो, कंगारू रैट में ऐसी एडॉप्टेशन है बेटा कि अपने वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करता है ये, फैट के ब्रेकडाउन के बाद वाटर प्रोड्यूस होता है. क्योंकि आप जानते हो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब मिलते हैं बेटा तो वाटर का वन मॉलिक्यूल रिलीज होता है, हाँ वाटर बाय प्रोडक्ट बनता है. तो फैट के ब्रेकडाउन के बाद बेटा, फैट के ब्रेकडाउन के बाद वाटर जो है सर, तो क्या सेम होता है कैमल में भी, हाँ वहां भी होता है यही बेटा, वहां भी यही होता है बिल्कुल. तो फैट के ब्रेकडाउन के बाद बेटा वाटर प्रोड्यूस होता है, वाटर बाय प्रोडक्ट होता है उसका, उससे काम चलाता है. दूसरा एडॉप्टेशन इसमें ये होता है कि वो अपने यूरिन को कंसंट्रेट कर लेता है. बहुत बेस्ट एग्जांपल है एडॉप्टेशन का, आपको याद रखना चाहिए, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है ये, ठीक है ना, जहां की पानी की बहुत कमी होती है. लिखिए द कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स. नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स को अंडरलाइन करना. द कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट बाई इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट. मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट बाई इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट. वाटर इज बाई प्रोडक्ट इन ब्रैकेट क्लोज इन एब्सेंस ऑफ वाटर. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. It can concentrate its urine
इट कैन कॉन्सेंट्रेट इट्स यूरिन सो दैट minimal volume of water is used to expel excretory products. Next, adaptation in desert plants. Next heading though, एग्जाम्पल है ये एडॉप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स. डेजर्ट प्लांट्स इन ब्रैकेट क्या लिखोगे? जेरो फाइटिक प्लांट्स इन ब्रैकेट जेरो फाइटिक प्लांट्स. जेरोफाइटिक प्लांट्स लिखिए. रूट्स ग्रो वेरी डीपली. जेरोफाइट्स रूट्स ग्रो वेरी डीपली टू एक्सप्लोर. बहुत गहराई तक रूट चले जाती हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर पॉसिबिलिटी है वाटर की तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, है ना. रूट्स ग्रो वेरी डीपली. थॉर्नी लीव्स. हाँ, रूट्स ग्रो वेरी डीपली टू एक्सप्लोर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अवेलेबल अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल विद अंडरलाइन लिखना इसको. प्रोलीन जो कि अमीनो एसिड होता है, PROLINE, प्रोलीन इज अ टिपिकल ऑस्मोलाइट. OSMOLYTE मतलब कि जो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सके. प्रोलीन is a typical osmolite in bracket useful in maintaining osmotic and water potential. Underline karna is baat ko, bracket mein likho. Useful in maintaining osmotic and water potential. Proline hai na, comma. Synthesized by the plants in different under different environmental stresses conditions. Synthesized by the plants under different environmental conditions in xerophytes. समझ में आ गया? प्रोलीन ऑस्मोलाइट्स होता है बेटा, है ना. इसको स्ट्रेसफुल कंडीशन में जेरोफाइटिक प्लांट्स जो है रिलीज करते हैं और ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इन मेनी डेजर्ट प्लांट्स तीन तरह का एडॉप्टेशन हमें लिखना है. पहला इसका क्या हो जाता है बेटा? ठीक, क्रिटिकल ऑन लीफ सरफेस. बेटा लीफ सरफेस पे जो क्यूटिकल तो होती ही है, मतलब प्लांट्स के लीफ सरफेस पे क्यूटिकल तो होती है, बट वो जो डेजर्ट में प्लांट्स हैं, जेरोफाइटिक प्लांट्स हैं, उसमें थिक हो जाती है. मीजोफाइट्स में थोड़ा कम होती है और हाइड्रोफाइट्स में बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि पानी कमी नहीं है उनको. ठीक है. दूसरा संकेन स्टोमेटा.
संकेन स्टोमेटा, संकेन स्टोमेटा मतलब क्या? स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट्स, संकेन स्टोमेटा लिखो ब्रैकेट में, स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट्स, पिट्स जानते हो कम्युनिकेशन के लिए, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए जो पोर्स होते हैं उनको हम पिट्स बोलते हैं, तो स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट्स अंदर होते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, थर्ड एडाप्टेशन, स्पेशल फोटो सिंथेटिक पाथवे, ठीक है, इसको हम कैंप प्लांट्स भी बोलते हैं, ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, कैंप प्लांट्स, ठीक है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये तीन तरह का एडाप्टेशन है, किस लिए बेटा? टू मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन, टू मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए बेटा ये तीन एडाप्टेशन होते हैं, ठीक है, कैंप प्लांट्स में। एक चीज और है, कैंप प्लांट्स में आप जानते हो कि स्टोमेटा दिन का टाइम क्लोज होता है, रात के समय ओपन होता है, नाइट टाइम जो है ये ओपन होता है स्टोमेटा कैंप प्लांट्स में। नेक्स्ट लिखो सैकुलेंट्स, ये इसी में चल रहा है, नेक्स्ट हेडिंग दो सैकुलेंट्स, सैकुलेंट्स, ठीक है, सैकुलेंट्स में लिखिए, टाइम अभी है थोड़ा बहुत, मतलब कि क्या, इन ब्रैकेट फ्लैशी सैकुलेंट्स लिख लेना, फ्लैशी सैकुलेंट्स, फ्लैशी सैकुलेंट्स, सैकुलेंट्स एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, दे एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन, दे एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड स्टोर्ड इट इन डिफरेंट पार्ट्स, एंड स्टोर्ड इट इन डिफरेंट पार्ट्स कॉमा सफर ओनली एक्सटर्नली, सफर ओनली एक्सटर्नली, हेंस दीज आर ड्रॉट रेजिस्टेंट, हेंस दीज दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंट, मतलब बेटा रेनी सीजन में पानी इकट्ठा करके रख लिया, उसको काम चलाता रहता है ना, जब पानी नहीं मिलता है इसको। अब इसमें भी तीन है, स्टेम सैकुलेंट्स, स्टेम सैकुलेंट्स लिखो, स्टेम सैकुलेंट्स, स्टेम सैकुलेंट्स को बोलते हैं बेटा काइलोकोली, क्या लिखा था डेजर्ट, क्या मैं अभी देखता हूं क्या लिखा था, वाटर क्या लिखा था, मैंने देखा नहीं बेटा, इसको बोलते हैं काइलोकोली, ठीक है, काइलोकोली मतलब होता है स्टेम सैकुलेंट्स, बेटा फिर से दोबारा लिख देना जिसने भी लिखा था, काइलोकोली एग्जाम इसमें लिखिए, काइलोकोली में लीफ रिड्यूस टू स्पाइन लाइक ओपंसिया एंड यूफोर्बिया, स्टेम सैकुलेंट्स में लिखो, इसको बोलते हैं काइलोकोली बेटा, एग्जाम्पल इसका ओपंसिया एंड यूफोर्बिया, ओपंसिया एंड यूफोर्बिया। दूसरा है लीफ सैकुलेंट्स, लीफ सैकुलेंट्स,
अच्छा रिपीट कर दूं, देखो सेकुलेंट्स प्लांट जो है बेटा क्या करते हैं कि वाटर को स्टोर करके रख लेते हैं अपने पास, ठीक है, तो ड्रॉट मतलब जब पानी नहीं मिलता इनको तो उससे काम चलाते हैं। अब सेकुलेंट उनको सेकुलेंट प्लांट बोलते हैं। सेकुलेंट प्लांट में स्टेम सेकुलेंट, जिसमें कि स्टेम में वाटर स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं काइलोकोली, CHYLOCAULI, काइलोकोली। इसका एग्जांपल है बेटा ओपनसिया एंड यूफोरबिया, ठीक है। दूसरा है लीफ सेकुलेंट्स, लीफ सेकुलेंट्स, लीफ सेकुलेंट्स, लीफ किसको बोलते हैं बेटा, फाइलोस, फाइलस मीन्स लीफ होता है, तो काइलो फाइलस हो जाएगा इसका, काइलो फाइलस, मतलब कि लीफ में वाटर को स्टोर कर लेना। इसका एग्जांपल है बेटा येलो एलोवेरा, बेगोनिया ALOE, एलो अगेव AGAVE, अगेव एंड बेगोनिया BEGONIA, बेगोनिया में क्या बेगोनिया होता है बेटा, लीफ सेकुलेंट्स। नेक्स्ट है रूट सेकुलेंट्स, सकुलेंट्स जो अपने राइजोमीन्स होता है रूट, तो काइलो काइलो राइजस हो जाएगा इसको बोलेंगे, काइलो राइजस बोलेंगे, राइजोमीन्स रूट होता है बेटा, काइलो राइजस। इसका एग्जांपल है बेटा एस्परेगस, एग्जांपल है इसका एस्परेगस, इसका एग्जांपल होगा एस्परेगस, ASPARAGUS, एस्परेगस। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे एडॉप्टेशन इन एक्वेटिक हैबिटेट्स।